रवि भाई, मैंने ना 4-5 डॉक्टर को फोन लगाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। और शायद रात बहुत ज्यादा हो गई ना इस कारण। हम एक काम करेंगे, सुबह देविका को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। भाई देविका भी ठीक है, अभी उसे होश आया था और मैंने सुला दिया। हम कल सुबह जाकर डॉक्टर को दिखा देंगे। ठीक है भाई, तो एक काम कर, तू देविका का ख्याल रख। ठीक है, मैं जाके सो जाता हूँ। आप आराम कीजिए, तू भी सो जाना भाई। सॉरी अम्बे मैम, मैंने उस समय बहुत कुछ बोल दिया आपको, लेकिन मैं क्या करता, मैं डर गया था ना। आपको तो पता है कि मैं देविका से कितना प्यार करता हूँ, और उसे मैं इस हाल में नहीं देख सकता, इसलिए मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। और अम्बे मैम, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, मैं देविका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और उसे आप पर बहुत ज्यादा विश्वास है। तो अगर मैं उसके पास रहूं या ना रहूं, लेकिन आप प्लीज उसका ख्याल रखना। सॉरी मैं एक्चुअली आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, वो क्या है कि देविका को देखा है ना आपसे ऐसे बात करते हुए घंटों घंटों पर, उसने बताया कि मतलब ऐसे अगर आपके सामने बैठ के बात करो ना तो आप सुनती हैं। वो आया ब्लूटूथ और वायरलेस कनेक्शन। वैसे आप हर बार इतना घबराती क्यों हैं आंटी जी? अरे आपको तो ये मानकर चलना चाहिए कि हमारा प्लान काम करेगा ही करेगा। कैसे मान लूं? जब तक उसके राम नाम से की खबर नहीं मिल जाती, मैं कैसे मान लूं? वो क्या पता सुबह तक ठीक हो जाए। भली चंगी होके हमारी आंखों के सामने घूम रही हो, फिर अपनी तो उम्मीदों पर पानी फिर जाना है ना। फिर वैसे आंटी जी ठीक ही कह रही है, मुझे इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उस पर नजर तो रखनी होगी, और इसलिए मुझे किसी बहाने यहाँ पर रुकना होगा। आंटी जी, क्या मैं आज रात को यहाँ रुक सकती हूँ? अब वो क्या है ना कि जब तक हमें हमारी खबर नहीं मिल जाती, मुझे बिल्कुल चैन नहीं आएगा, और घर जाऊंगी तो फिर परेशानी रहूंगी। अच्छा जी, बात तो आप ठीक ही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मोंटी से कहती हूँ मेहमानों वाला कमरा खोल देगा, आप वहाँ पे रुक जाना। निवेदिता जी ना आज रात को यहीं पे रुकेंगी। अच्छा, मतलब इनको देवका की बड़ी फिक्र हुई है ना, तो फिर हाँ, तो वो मेहमानों वाला कमरा खोल दे पुत्र, हाँ, और थोड़ा ठीक ठाक करा देना। बिल्कुल मासी, अभी करवा देता हूँ। हालत फिर से इतनी खराब हो गई, क्या करूं? माँ को बताऊं? इतनी रात हो गई है और माँ तो वैसे भी सो रही होंगी। माँ को तो तसल्ली हो गई होगी ना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उस टाइम। और वैसे रवीश जी ने भी तो कहा था विकास भैया को कि थी अभी सो रही है, तो शायद मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अरे मोंटी कहाँ चला गया? तो कहाँ है, क्यों नहीं? अरे मोंटी? हाँ बताओ। तुम कहाँ थे? तुम अभी इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अरे वो आज मिस सूत्रा हमारे घर में ठहरने वाली है। तुम्हारे ने कहा कि गेस्ट रूम को जरा ठीक ठाक कर दो, तो उसमें बिजी हो गया था। मिस सूत्रा हमारे घर में क्यों, किसने? साक्षी मुझे क्या पता होगा। हाँ वो मासी कह रही थी कि उन्हें देविका भाभी की बहुत फिक्र हो रही थी, शायद इसलिए होगा। देविका दी की चिंता और उस मिस लूथरा को खो ही नहीं सकता, जरूर कुछ और बात है। और वो मंजू आंटी, वो भी चुपचाप पता नहीं क्या बातें कर रही थी उस मिस लूथरा के साथ। इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है वो मिस लूथरा को? आखिर ये चक्कर क्या है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? क्या हो गया साक्षी, इतना क्या सोच रही हो? नहीं वो कुछ नहीं। देखो बहुत रात हो चुकी है, तुम जाके सो जाओ, ठीक है? हाँ। अरे अरे
तुम्हें किसने कहा उठने के लिए? रवि एकदम आराम से बैठो, चलो मुझे क्यों नहीं बताया? रवि मैं तो वैसे इतना लेट उठी हूँ, तुम उठा नहीं सकते थे मुझे। है नहीं मतलब क्या होता है, तुम डिसाइड करोगी, मुझे डिसाइड करना है कि तुम कब उठोगे कब नहीं। ओके अभी चुपचाप बैठे रहो, ये लो चलो भाई काम करो, बातें छोड़ो और दूध पियो चलो। रवि सुबह सुबह दूध? हाँ तो सुबह सुबह दूध पीने से ताकत आती है, बचपन में मतलब बताया नहीं था माने? नहीं मुझे नहीं पीना। चलो मेरे हाथों से पियो। ठीक है मैं अपने हाथ से। तुम खुद नहीं मेरे हाथों से पियोगे चलो। मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने कहा ना नो मींस नो। दरवाजा खुला है आंटी आ जाएंगी। दरवाजा खुला तो मतलब क्या होता है? पति हो तो मना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने मतलब दूध तो पिला सकता हूँ। नहीं रवि मैं क्या पी, तुम ऐसा नहीं माना ना, अपने हाथों को यहाँ रखो। रवि रवि कुछ नहीं, चलो दूध जल्दी करो कमा। साक्षी आप ना जीजू एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप कैसे हो? आपको पता है हम लोग कितना घबरा गए थे, कितना डर गए थे। साक्षी I'm really sorry, मैंने तुम सबको डरा दिया ना, सब लोग इतना परेशान हो गए, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई मैं, माता की चौकी भी खराब कर दी मैंने। अरे अरे बस आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो दी, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, जगराता एकदम ठीक से हुआ, आप बस अपना ख्याल रखो। हाँ बिल्कुल सही बात, मैं बहुत समझा चुका हूँ तुम्हारी बहन को, अब एक काम करो ये दूध पकड़ो, दूध पिलाओ अपनी बहन को चलो। जीजू ये दूध पिलाना ना आपका हक है, और वैसे जिस मजे से दी आपके हाथ से दूध पियेंगी वैसे मेरे हाथ से थोड़ा ना उनको मजा आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैं ना ये पकड़ो आप दूध, मैं आपके बीच में ना ऐसा कबाब में हड्डी बनने के लिए बिल्कुल नहीं आई थी, मैं इसलिए आई थी कि आपको बता दूं कि मैं नाश्ता तैयार करने के लिए जा रही हूँ, तो आप दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ तो एक काम करो, एक काम बस मैं क्या देसी घी के गर्मा गर्म परौंठे बनाओ। रवि नहीं नहीं मैं मोटी हो जाऊंगी। कोई बात नहीं पतली भी हो जाओगी, चिंता मत कर मैं हूँ ना, अभी चुप एकदम, ताकि तुम जाओ ना घी के पराठे तो मैं बना दूंगी, लेकिन आप ना प्यार से अपनी बीवी को पहले दूध पिलाइए। तो तुम जाओ ऐसे, बस बहुत हो गया। देखो मैं ठीक है, अब तुम जाकर एक काम करो नहा लो, और हाँ गर्म पानी से नहाना। एक्चुअली मिस लूथरा ना यहीं पर रुकी हुई है, तो मुझे उनसे एक फाइल के बारे में कुछ बात करनी है, तुम उनसे जरा बात करके आता हूँ। वैसे इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा तो बताओ फिर क्या चल रहा है? अब इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, जब देखो मिस लूथरा मिस लूथरा मिस लूथरा से ये काम है वो काम है, कोई काम वाम नहीं है, बस तुम बहाने बनाते हो उनसे मिलने के लिए। मुझे पता है इतनी सुंदर है वो, अमीर है, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे ना 10 हैंडसम लड़के उनके आगे पीछे घूमते होंगे रोज, तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, मैं बता रही हूँ तुमको, इसलिए ट्राई मत करो। मेरी प्यारी कटकट, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारी माता रानी ने ना तुम्हारे इस पति के अंदर एक स्पेशल चांद थी। स्पेशल? रियली? यस रियली। कोई शक है तुम्हें? हाँ शक है। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा ये शक दूर कर देता हूँ, तुम बस देखती जाओ कि मैं यूं बटा लूंगा मैं। ओके बाद में बोला मत मुझे कि रवि तुमने ये क्या कर दिया। रवि लाइए ना मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं साक्षी तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं बना रही हूँ ना, तुम जाओ जाके माता की चौकी एंजॉय करो। सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है मेरा, मिस लूथरा और मंजू आंटी में जरूर कुछ पक रहा है, दोनों ही देवी गदी से नफरत करते हैं। नहीं साक्षी इससे पहले बी पर कोई और मुसीबत आए तुझे कुछ करना होगा, ये मिस लूथरा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इन सब में इन्वॉल्व है, पर कैसे? अरे वो आज मिस लूथरा हमारे घर में ठहरने वाली है। मिस लूथरा हमारे घर में क्यों, किसने? हाँ वो मासी कह रही थी कि उन्हें देवी का भाभी बहुत फिक्र हो रही थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, ये सब मिस लूथरा का किया धरा है, मंजू आंटी की हेल्प कर रही थी। गॉड अभी तुम लोग क्या करने वाले हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं।
नहीं जी नहीं जी, माता रानी की कृपा है, अब तो काफी अच्छी है। और पुत्र नाश्ते में क्या खाएगा बता? अरे नाश्ते की चिंता मत करो, साक्षी ऑलरेडी बोल दिया पराठे बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। अरे आजी आओ बैठो जी, बैठो। ओ जी, आप कैसे हो जी? ठीक से सोए रात को? हाँ जी जी बिल्कुल। नहीं जी, नई नई जगह होती है ना तो थोड़ी मुश्किल होती है ना। गुड मॉर्निंग आंटी। अरे आज पुत्र तबीयत कैसी है? अभी काफी बेटर है। चल फिर जल्दी से नाश्ता कर ले। हाँ चल, मैं कहती हूँ साक्षी को लगाने के लिए। आजा गुरविंदर। आंटी बैठिए। रवि गरेवाल देविका को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन अब करूंगा कैसे? वैसे मिस मित्रा, माँ ने बताया कि आपको देविका की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए रात को आप यहाँ पे रुकी गई। आप मुझे बताती तो शायद मैं मिलने आता आपसे। I can't believe this. रवि मुझसे बात करने आया है। अब वैसे मुझे आपसे इस फाइल के बारे में कुछ पूछना था। Quite nice. वैसे एक चीज और मुझे कहनी थी आपसे। मॉन्टी कैसे? मेरा मतलब है कि अच्छा काम कर रहा है ऑफिस में? बहुत अच्छा काम कर रहा है, really very good. Everybody is happy with his work. आखिर भाई तो तुम्हारा ही है। Actually, मिश्रोत्रा, ये आपका बड़ापन है कि आपने मॉन्टी को इतना बड़ा मौका दिया अपनी कंपनी में, उसे साबित करने का कि he has some potential. So, thank you once again. Oh, come on, Ravi. Don't say that. Anything for you. You know what I was thinking, Ravi? You remember that property जिसके बारे में हमने बात की थी? हाँ जी हाँ जी। वो मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे? You know, हम दोनों को वो प्रॉपर्टी जाकर देखनी चाहिए। बड़े करीब आ रहे एक दूसरे के। मिस्टर रवि गरेवाल, ये नाटक ना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। What do you think? How? What kind of an idea is it? जी हाँ, मतलब मैं एक काम करता हूँ मिस्टर, मुझे एक्चुअली एक कुछ काम याद आ गया, तो मैं काम करता हूँ, मैं वो काम करके आता हूँ, तो फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। पर अभी डिस्कस कर लेते हैं ना। दो मिनट। हाँ तो है। देविका तुम ठीक तो? रवि। रवि तू क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बाहर? मैं बाहर क्या? ओह, तुम इतना बुरा मांगी कि तुम पागल की तरह हंसने लग गई? अरे तुम्हें मैंने कहा था कि मुझे चैलेंज मत करना पागल। देखो तुम पागल होगी ना? क्या शादी शुदा उसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर चाम और जादू नहीं है, अभी भी बहुत ऐसे, वो तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। प्लीज प्लीज तुम ज्यादा मिस्टर कूल मजरू बनने की एक्टिंग मत करो। वो देखा मैंने बाहर तो मिस लूथर के सामने से कैसे जान मचाकर भाग कर क्या मतलब है तुम्हारा? रवि अच्छे से देखा मैंने कि तुम्हारा क्या हाल था जब मिस लूथर तुमसे वो तुम्हारी फ्लर्टिंग का जवाब दे रही थी और मुझसे क्या बोल के गए थे, चार्मर हूं मैं, देखना मेरा जान। देखा मैंने कितना जादू चला तुम्हारा, डर पाओगे तुम एक नंबर के। तुम मजाक उड़ा रही मेरा? ऐसे ही होता है, देखा सच्चे अच्छे आदमी की यही वैल्यू होती है। मतलब एक तो मेरा माता ने तुम्हें इतना अच्छा पति दे दिया, उसके ऊपर से तुम मजाक उड़ा रही हो। मेरी फिर से नहीं समझ गया, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी नहीं आऊंगा वापस कभी। थैंक यू अंबिमा, मेरी थैंक यू की लिस्ट ना बढ़ती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता है कि जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। थैंक यू कि आपने मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा पति दिया है। बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो मुझसे, और मैं जानती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए ना, रवि मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे मैं हर्ट हो जाऊँ। और अब तो मैं ये भी जानती हूँ कि रवि और मिस लूथरा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, उन दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। रवि सिर्फ मुझसे प्यार करता है, बस ऐसे अपना आशीर्वाद हम दोनों पर हमेशा बनाए रखना। और वैसे भी अब तुम आपके दरबार में आ रहे हैं ना थैंक यू बोलने के लिए। रवि ने कहा कि वो मुझसे मिलने आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कितने करीब आ गया था। देविका सामने बैठी थी लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की उसकी।
बस ऐसे ही हमारी नजदीकियां बढ़ाते रहना रवि। मेरा हाल चाल पूछने के बहाने आया था, इतनी मीठी मीठी बातें की उसने मेरे साथ, मेरी इतनी तारीफ की, बस एक रात यहाँ रुकी और ये हाल है। अगर हमेशा के लिए यहाँ आ गई तो लाइफ सेट हो जाएगी रवि के साथ। अब और पेशेंस नहीं है मेरे पास, रवि के बिना एक पल भी चैन नहीं आता मुझे। मुझे जल्द से जल्द अपना आखिरी दांव चलना होगा ताकि रवि मेरा बन जाए हमेशा के लिए। इस बार कोई ऐसा जबरदस्त प्लान बनाऊंगी कि देविका के साथ मेरा ये इंतजार भी खत्म हो जाए। मोंटी, हाँ? एक बात बोलूं, देविका दी के साथ जो कुछ हुआ ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ तो? मतलब देविका दी की पहले किडनैपिंग हो गई, फिर उसके बाद ये जहर। मोंटी, भोग में जहर कौन डालेगा और किस लिए डालेगा? मुझे ना पूरा यकीन है वही दी को मारने की साजिश कर रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि इन सब के पीछे मिस लूथरा का ही हाथ है ना? Exactly, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या साक्षी? मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मिस लूथरा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, लेकिन तुम तो सुनती नहीं हो। तुम्हें अगर जासूसी करने की इतनी ज्यादा शौक है ना साक्षी, तो जाओ जाके कोई और शिकार पकड़ लो, लेकिन इन सबके बीच में मिस लूथरा को मत लेके आओ। साक्षी, तुम्हारी फालतू की शक की वजह से ना हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, यहाँ तक कि हम लोगों को जेल भी हो गई थी। मोंटी, मुझे जो शक था वो झूठ थोड़ी ना साबित हुआ है, सही भी तो हो सकता था। साक्षी, तुम समझती क्यों नहीं, तुम गलत इंसान पर शक कर रही हो। अरे मिस लूथरा का दिल बहुत बड़ा है, हमेशा हम लोगों की मदद करने के लिए दौड़ी चली आती है। उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। मोंटी, तुम्हें हो क्या गया है? मोंटी, वो अपनी काली करतूतों के ऊपर अच्छाई का पर्दा ओढ़ के रखती है। मोंटी, सिक्के के ना दो पहलू होते हैं और तुम्हें दूसरा पहलू नजर ही नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ मोंटी, और तुम्हें उस पे विश्वास हो रहा है, तुम उस पे यकीन कर रहे हो। मोंटी, अगर देविका दी को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? और तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दी को कुछ हुआ भी है। जब हम लोग जेल में बंद थे तब तुम्हारी बहन कहाँ गई? हम लोगों की मदद करने के लिए देविका भाभी नहीं आई थी? वो मिस लूथरा थी जो ने हमें जेल से बाहर निकाला है। तुम्हें समझाने का कुछ फायदा ही नहीं है, तुम्हें बस मेरी सुबह खराब करनी थी, जो तुमने बहुत अच्छे से कर दी। कंग्रेचुलेशन, अब मैं काम पे चले जाऊं, ठीक है? मैं कैसे समझाऊं मोंटी को कि वो मिस लूथरा बहुत चालाक है? पता नहीं कौन सा गेम प्लान कर रही होगी वो। देखो देविका, ये ऑफर मैंने इसलिए एक्सेप्ट की है, तुम्हारी माँ का सपना जितना तुम्हारे लिए मायने रखता है उतना मेरे लिए भी मायने रखता है। और ये स्कूल और अनाथ आश्रम जो हम बनवाने वाले हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अगर वो हम मिस लूथरा की कंपनी से बनवाएंगे तो कम से कम 5 साल बच जाएंगे, और अगर हम खुद बनाएंगे तो पता नहीं कितने साल। तो फिर सोचना क्यों? मेरा मतलब है कि अच्छा काम खुद ब खुद अपने आप हो रहा है तो हमें सोचना नहीं चाहिए। हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारी माँ का सपना जल्दी पूरा हो जाए, चाहते हैं ना? पता नहीं रवि क्यों, लेकिन मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर। मतलब तुमने बहुत अच्छी तरह सोचा है ना, तुम्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुमने कोई फैसला लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा, और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दूंगी। थैंक यू सो मच देविका, मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए रवि, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसमें मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, वो तुम। तो बस अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं पूरा करूंगा तुम्हारी माँ का सपना। और तुम देखना, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। मेरा मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट मिस लूथरा की कंपनी से होगा जरूर, लेकिन इसे मैं हैंडल करूंगा, और जैसे ही हम वैष्णो देवी से वापस आएंगे मैं काम शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं पेपर साइन कर दूं? ऑफ कोर्स, सोचना क्यों। यहां पर तुम रुकी हुई? तुम पक्का श्योर हो ना? मेरा मतलब है, मैं सोच रही थी कि मिस लूथरा ये सब क्यों कर रही है हमारे लिए। मेरे काम, मिस लूथरा की कंपनी बहुत बड़ी है, और जब वो इन चैरिटी वाले कामों में अपनी कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं तो उन्हें टैक्स में फायदा मिलता है और कंपनी की इमेज भी बन जाती है, बस इसीलिए। तो मतलब तुम्हें पूरा विश्वास है ना? ऑफ कोर्स देविका,
मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे श्योरिटी ना होती कि मिस लूथरा इस काम को जल्दी और अच्छे से करेंगे तो मैं कभी तुमसे ना कहता। ठीक है, फिर मुझे भी विश्वास है, मैं साइन कर देती हूँ।